नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल में। मैं हूँ आचार्य बापू, आप मुझे बापू पंडित भी बुला सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले यानी वाणी को शुरू करने से पहले आप सभी को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर मत डालें, क्योंकि ना ही मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, ना ही मैं किसी से नंबर पूछता हूँ, ना ही मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी पर्सनल चीज़ है जिसको आप इधर शेयर नहीं कर सकते कमेंट में, तो आप मेल करिए। मेल आज नहीं तो कल मैं कभी देखूँगा, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय में मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो मंत्र महामंत्र भी है। हालांकि हरे कृष्ण को भी महामंत्र कहा जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। लेकिन जो कृष्ण भगवान का एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र जाप करने के बाद आपके ज़िंदगी में एक आनंद भाव आएगा, यानी मन में आपका उदासी छाई रहता है और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप कहीं पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, भीड़ से अलग आप कहीं पे बैठे रहते हैं, आपका अपने दुनिया है उसमें मज़े रहते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है दुनिया और आपको ये लगता है दुनिया कोई आनंद नहीं है। लेकिन ये मंत्र आपको आनंदित कर सकता है। और इस मंत्र का एक खासियत है कि ये मंत्र जो है आपको अपना कर्मों को सही करने के लिए एक मौका भी प्रदान करेगा, क्योंकि ये आपका जो बुरे कर्म होता है उस बुरे कर्म के हिसाब से आपको थोड़ा दंड भी मिलता है, और दंड तो नहीं कहूँगा लेकिन आपको सुधारने का मौका मिलता है। और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे घटित होंगे जिसमें आपको याद आया कि आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं और उस बुरे कर्म के लिए ऐसा चीज़ हो रहा है और आगे से आप बुरे कर्म नहीं करेंगे, और आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप ये क्लीम कृष्णाय मंत्र का अनुष्ठान या इसका जाप करने के बाद आपके अंदर धीरे धीरे एक आनंद भाव आ रहा है और आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं। ये मंत्र जो है ना, ये मंत्र को आप दो टाइप के भी कर सकते हैं, यानी अगर डेली इसको उपासना में लेना है, इसको उपासना में जब आप लेते हैं, उपासना का समय, आप इसको क्या कर सकते हैं कि 11 माला तुलसी माला से आप इसका जाप करिए, ये बहुत अच्छा होगा। 11 माला अगर जाप करेंगे तो डेली आप इसको पूजा के समय में 11 माला जाप करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कुछ दिनों में आपको ये देखेंगे आपका अंदर जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाएगा, आपके चेहरे में एक अलग ही निखार आ जाएगा, यानी आपको अच्छा लगेगा। सारे खुद को आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस के अभाव है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको ये लगेगा कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो समर्थ है और आप खुश रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब इंसान आनंदित रहता है उसको कुछ भी दे दो वो खा लेता है, लेकिन उसको अगर दुख दिया जाता है वो दुखी रहता है, उसको कुछ भी बना के दो वो नहीं खाता। इसलिए अगर आनंदित रहते हो हर चीज़ आनंद लगता है। इसलिए कोई अगर कृष्ण भगवान का उपासना करता है ना, उसको चाहे ज़िंदगी में कितना भी बड़ा कोई आ जाए, उसको कोई दिक्कत हो जाए, तो हमेशा वो यही करेंगे, अरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब कुछ सही कर देंगे हमारे कृष्णा जी, तो वो ये कान्हा जी सब सही कर देंगे, क्योंकि उनका अंदर ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो जानते हैं अगर कुछ भी होगा तो चलो वो कान्हा ही संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको एक पद्धति बताता हूं आपको क्या करना है। इस चीज को जो है मैं पहले कहता हूँ कि आप इस चीज़ को पहले डेली अनुष्ठान करिए, यानी डेली पूजा करिए। डेली पूजा करने के बाद आप उसका 11 माला जाप करिए। इसको अगर आप अनुष्ठानात्मक ले सकते हैं तो इसको आप 1.25 लाख मंत्र जाप करें, लेकिन मैं ये कहूँगा इस मंत्र को अनुष्ठान करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका सिद्धि के पीछे भागना है, क्योंकि ये मंत्र ऐसा मंत्र है अगर 1, 2, 3, 10 बार भी इसका जाप करते हैं तो आपका मन उसी क्षण में आपको जो गुड मूड्स आ जाता है और मन में एक आनंद भावना आ जाता है। इसीलिए इस चीज़ को करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1.25 लाख 10 लाख 15 लाख, अगर आप इसी मंत्र का सिद्धि करना चाहते हो तो पहले जो है आप इसका 11 लाख करिए या आप ज़्यादा करिए, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना जाप करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान का ये मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः, उसको आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः जाप करिए पहले कुछ दिन, और उसके बाद क्लीम कृष्णा नमः जाप करिए पहले दिन, उसके बाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मंत्र जाप करने के बाद आपका मन आनंदित नहीं होगा। आप वैसे भी अभी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः ऐसा जाप करते जाइए, 15 मिनट आधा घंटे के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा आपके अंदर में एक आनंद का लहर खेल रहा है, यानी आनंद का लहरी आ रहा है, जिसमें आप समझ जाओगे कि ये मंत्र का पावर कितना है, यानी ये मंत्र से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि हर कोई किसी को मंत्र जाप करने के लिए कहा जाता है तो पहले वो गूगल में वही ढूंढता है कि बेनिफिट्स ऑफ ओम क्लीम कृष्णाय नमः,
ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र जाप करने का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन इसमें फ़ायदा नुकसान के बारे में मत पढ़िए, क्योंकि ये मंत्र बहुत अच्छा है। इसलिए मैं डेली कहता हूँ, इस मंत्र को डेली पूजा में ऐड करिए, और इसका जो साधना करना चाहते हैं तो तुलसी की माला से आप जो है 125,000 जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भी अच्छा होगा इस मंत्र का जाप करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप स्कन से हैं तो उनको पूछ लीजिए, कोई अगर जो है आपका गुरु हैं उनसे आप पूछ सकते हैं इस मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, क्योंकि वो इसी मंत्र का जाप बहुत सारे समय भी करते हैं, उनका हरे कृष्णा मंत्र भी है। तो आप करिए, करने के बाद जो कैसा फल मिलता है आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा।